हाँ जी, तो रेस्टार्ट सुबह के हो रहे हैं 5:30। ये अपनी शॉप है, उधर पीछे भूत रहता है, उधर नहीं जाना है। और ये अपनी चटक है। संडे है, ट्रैक पे जा रहे हैं। सुकेश्वर महादेव करके उदय सागर के पास में है, वहाँ पर ट्रैक पे जा रहे हैं। तो फिलहाल चेतक को थोड़ा सा कॉल स्टार्ट दे देते हैं। और दुकान का ये जो अपने क्या कहते हैं कुत्ते बैठ जाते हैं ना, तो उसके लिए अपन पत्थर और लकड़ियाँ रखते हैं, वो हटा देते हैं। चेतक को थोड़ा सा कॉल स्टार्ट दे दिया है। जब तक ये गर्म हो जाएगी तब तक अपन अपना दुकान का ये सामान पाते। और ये सर्दी है भैया, अगर सर्दी नहीं होती ना तो ये बंद नहीं होती। तो इस पर चौक लगा लेते हैं और अब चालू करते हैं। हाँ, हो गए चालू। आपको ले लूं वीडियो में? हाँ, अरे यार तो ये महेश भैया है, और महेश भैया भी आ गए हैं। दुकान का भी अपना काम हो गया है, तो अब घर वाले भी गालियां नहीं देंगे कि थोड़ा बहुत काम तो किया है बंदे ने। चले महेश भैया, तो चलते, वैसे भी टाइम हो गया 6 बजने में। सो यहाँ दिल पंजाबी ढाबा 100 फीट रोड पर आ गए हैं। ग्रुप के कुछ मेम्बर्स आ चुके हैं, सो अब यहाँ से हम जाएंगे उदय सागर, और यहाँ से ट्रैक वहाँ का कैसा क्या ट्रैक है देखते हैं। सब अब जाकर मिले हैं, 1 2 3 3 कार है और एक हमारी बाइक है। हमको बाइक पे जाना ही पसंद है, कार में बैठने वालों में से मैं नहीं हूँ। क्या है कि बाइक पे थोड़ी हवा खाते हैं, थोड़ा मज़ा आता है। लेट हो गया काफ़ी, पर ठीक है, ट्रैक हो तो रहा है, कम से कम लेट हो रहा है तो भी हो रहा है। ये हमारे अरुण भैया की गाड़ी है, हम इसी के पीछे पीछे रहेंगे क्योंकि हमारे लिए भी ये पहली दफ़ा है ये ट्रैक। हालांकि उदय सागर मुझे पता है कि उदय सागर किधर जाता है, कौन सा रास्ता जाता है। उदयपुर में ऐसी कोई जगह नहीं जो बंकू भैया को पता ना हो, फिर भी पीछे रहेंगे, गाड़ी नहीं दौड़ाएंगे, यातायात नियमों का पालन करेंगे। सुकेश्वर महादेव डेरा वाला वराई माता पैदल यात्री वन्य जीव से सावधान। सो एग्जैक्ट ये जो पीछे देख रहे हो आप, उदय सागर का पहाड़ का पीछे वाला इलाका है, पूरा पीछे का एरिया है। जिंक जो चौराहा है उससे हम अंदर आए, और पेट्रोल पंप के आगे एक शायद कोई पुल आया था, पुल के जस्ट सामने ये जो उदय सागर के पहाड़ का पीछे का जो रास्ता आ रहा है कच्चा रोड, ये इधर आ रहा है। और अब यहाँ से हमारा हाइक चालू होगा, ट्रैक तो नहीं है, हाइक चालू होगा। जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं व्यू काफी अच्छा होता जा रहा है, वो ठंड की परत जमी हुई है ना एकदम से, तो ठंडा ठंडा अभी धूप निकली है तो कोहरा जमा हुआ है एक तरह से। एग्जैक्ट ये पगडंडी भी नहीं कह सकते इसको, और क्या कहेंगे, हाइक है एक तरह की, ट्रैक तो नहीं कह सकते इसको, एक तरह की हाइक है। पर पूरा इन्होंने खोद के रास्ता तो बनाया हुआ है, पर पूरी तरह से सही से बनाया हुआ नहीं है। शायद ये पत्थर वगैरह भी गिर गए हैं, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा शूज़ वगैरह पहन के आए अगर यहाँ पे आए तो, बाकी सही है जगह।
चल रहे हैं ऊपर, कैसा व्यू आएगा वो तो थोड़ा और ऊपर जाने के बाद ही आएगा, पर यहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा है। पीछे का पूरा तो जंगल ही है, थोड़े बहुत मकान है, तो व्यू अच्छा दिख रहा है यहाँ से। हाँ वही मैंने बताया, कोहरा ही बता रहा हूँ कि ठंड की वजह से कोहरा पूरा जमा हुआ है, शायद कैमरे में उतना कोहरा आया नहीं आया। सो लगभग आधा ट्रैक हो गया है, 1 किलोमीटर का कुछ हाइक होगा। जस्ट इस मंदिर के पीछे उदय सागर ही, उदय सागर की पाल उधर नीचे रह गई और ये पूरा उदय सागर। सही है महेश भैया, सही है ना? ठंड का एहसास हो रहा है और हल्की हल्की शीतलहर चल रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और व्यू तो मानो कि काफी अच्छा है, दृश्य सुनहरा है। सही है, बढ़िया जगह, अनएक्सप्लोर है। टू व्हीलर भी लाना चाहे तो ऊपर आ सकती है, पर फोर व्हीलर नहीं आ सकती क्योंकि बीच में रास्ता टूटा हुआ है। पर जो भाई साहब यहाँ से जो व्यू है ना उदय सागर का, ये देखो आप पीछे पूरा जो व्यू है, पूरा उदय सागर दिख रहा है। और वो बीच में एक अभी नई होटल बनी है, वो है जैसा हम एक नया एक्सपीरियंस है, जैसा करणी माता से अपन पिछला लेक को पूरा देख सकते हैं, वैसे ही ये महादेव जी का मंदिर है, शुकेश्वर महादेव, यहाँ से पूरा उदय सागर देख सकते हैं अपन। और यहाँ करणी माता पे थोड़ा आपको क्राउड मिलेगा, भीड़ मिलेगी, और यहाँ पर आप अकेले आके थोड़ी शांति पूरा माहौल है, तो सुकून से बैठ सकते हैं, आप फील ले सकते हैं। और अभी तो थोड़ी हवा नहीं चल रही है, इसलिए कैमरे के लिए तो अच्छा ही है कि इसमें आवाज़ सही आ रही है, तो थोड़ी सी हवा चलती है तो हवा लगती है शरीर को, बॉडी को, तो अच्छा लगता है। मंदिर दिखाता हूँ, महादेव जी के दर्शन कराता हूँ। थोड़ा लेट हो गए हैं इसलिए सूरज बिल्कुल आँखों में चुभ रहा है, बाकी अगर जल्दी होता ना तो कुछ बात अलग ही होती। चलते हैं मंदिर के दर्शन कराता हूँ आपको। डंडे छुपा दिए गए हैं। काफी बड़ा ढोल है। वाह सही है यार। ये सही है। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि उदयपुर में लगभग अपन जितने भी महादेव के मंदिर में जाएंगे, जितने भी महादेव जी के मंदिर देखेंगे ना, वो जंगलों के बीच में अंदर होते हैं, और मतलब झरने वगैरह होते हैं, ऐसा कुछ होता है। पर ये जो महादेव जी का मंदिर है ना, ये पहाड़ पे ऊपर है। ऑलमोस्ट माता जी के जो मंदिर होते हैं वो पहाड़ों पर ऊपर होते हैं, पर ये पहला महादेव जी का मंदिर उदयपुर में मैंने नोटिस किया है कि ये पहाड़ की ऊँचाई पर है। हाँ यही नई चीज़ एक इस मंदिर की लगी। और मंदिर का इतिहास वगैरह तो मुझे कुछ यहाँ पर जानने को मिला नहीं है। हाँ काफ़ी पुराना मंदिर है ये मान सकते हैं अपन। बस यही था एक छोटा सा व्लॉग हमारा। और अगर आपको किसी को भी अगर ट्रैक करना है तो अरुण भैया है जो ढोल बजा रहे थे, उनका आपको पेज है इंस्टाग्राम पर, उसका मैं लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। विनीत भैया थे, उनका मारो उदयपुर करके
पेज है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। काफ़ी उदयपुर की अच्छी अच्छी अपडेट और टाइम टू टाइम अपडेट देते हैं और उदयपुर की जो सुंदरता है उसको दिखाते हैं। इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। एक बात बताना रह गई थी, लिखा हुआ है कि कचरा पात्र में डालें, कचरा पात्र ही नहीं है यहाँ पे और पानी की सुविधा यहाँ पर नहीं है, पीने का पानी साथ में लाएं, कचरा वगैरह कुछ होता है तो अपने बैग में ही डाल लो। कचरा पात्र वगैरह है नहीं, इतना कुछ डेवलप वगैरह नहीं हुआ है ये मंदिर, लाइटें वगैरह लगी हुई है, पानी की सुविधा नहीं है, तो वो अपने हिसाब से आप देख लेना, पानी साथ में लाना और कचरा पात्र नहीं भी है तो भी अपने बैग में कचरा डाल के लेके जाएं वापस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एक बार ये व्यू वापस से एंजॉय कर लीजिए, एक बार ज़रूर आना यहाँ पे, अच्छी जगह है।